दोस्तों कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर में लेटेस्ट समय के दो शानदार फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको एसटीडी और इको लिखा मिला है, स्टैंडर्ड मोड और इको मोड। दोस्तों जब आप इस ट्रैक्टर में हैवी इंप्लीमेंट चला रहे हैं, रोटर वेटर चला रहे हैं, उस समय आप जो है इस ट्रैक्टर में कम फ्यूल कंजप्शन के साथ में अधिक पावर परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड मोड के साथ में पा सकते हैं। लेकिन जब आप रोड में लाइट लोड के साथ में चल रहे हैं, ट्रॉली ले जा रहे हैं, कल्टीवेटर ले जा रहे हैं, उस समय जब आप डीजल सेवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने इको मोड जो है इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे जो है आप इस ट्रैक्टर में बहुत ही कम फ्यूल कंजप्शन के साथ में हल्के और कम लाइट लोड वाले संयंत्र लेके चल सकते हैं। दूसरे तगड़े फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी ने जो स्टीयरिंग दी हुई है, मल्टी एडजस्टेबल स्टीयरिंग दी हुई है, जिसे हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में जो है सस्पेंडेड टाइप पैडल दिए हुए हैं। और शानदार और तगड़े फीचर्स की बात करें तो मैं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए जॉन डियर ने जो है इस ट्रैक्टर में दो नहीं बल्कि चार हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डिस्ट्रीब्यूटर बॉल ऑफर किए हुए हैं, जिससे आप जो है इस ट्रैक्टर में हर तरह के हैवी से हैवी इंप्लीमेंट को बड़ी आसानी के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस ट्रैक्टर का इंजन दिखाना चाहूँगा। मैंने खोल के रखा हुआ है बोनट, तो यहाँ पर जो आपको कंपनी ने इस ट्रैक्टर में इंजन दिया हुआ है लेटेस्ट समय का अपग्रेडेड BS4 टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला, कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर में टोटली हाईटेक इंजन जो है इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किया हुआ है। यहाँ पर पावर टेक, गियर प्रो, 4WD, गियर प्रो, लिफ्ट प्रो जैसे तगड़े और शानदार फीचर्स कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर डाल के दिए हुए हैं, जिनके बारे में आज हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले इस ट्रैक्टर का लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको 2023 मॉडल के अंदर जॉन डियर का एकदम लेटेस्ट समय का लुक जो है आपको इस ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत ही शानदार कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर हेलोजन लाइट दी हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम आए हुए हैं कृषि उत्थान के अंदर जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि जॉन डियर के सबसे बड़े डीलर हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जॉन डियर के हर एक लेटेस्ट ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है जॉन डियर 5405 BS4 इंजन के साथ में आने वाले 4WD ट्रैक्टर का जो है हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। फ्रंट में बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं जाली कलर कॉम्बिनेशन और जॉन डियर का जो डेडिकेटेड लोगो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट तरफ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस समय का हाईटेक लुक कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इस ट्रैक्टर के इंजन से ही, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो दिल या धड़कन होती है ना वो इंजन ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जॉन डियर के हर एक ट्रैक्टर में सबसे पहले तो आपको बोनट खोलने के लिए जो है स्विच लॉक मिल जाता है। ये चीज़ मुझे जॉन डियर की पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे जो है ट्रैक्टर के अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं ना उनकी फुल सेफ्टी हो जाती है। यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको ट्रैक्टर में ड्राई टाइप ड्यूअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर विद चोक सेंसर के साथ में दिया हुआ है। कूलेंट सिस्टम के अंदर कंपनी ने बहुत खास तौर से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल के अंदर जो है कंपनी ने डीजल कूलेंट लगा के दिया हुआ है। दोस्तों डीजल जितना ज़्यादा ठंडा जाएगा ट्रैक्टर के पिस्टन के ऊपर या हम कह दें नोजल के ऊपर, उतना ज़्यादा डीजल अच्छे तरीके से बर्न होता है और बेस्ट तरीके से पावर परफॉर्मेंस और टॉर्क जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर जॉन डियर ने जो है इस ट्रैक्टर में डीजल कूलेंट सिस्टम लगा के दिया हुआ है, इंटर कूलेंट लगा हुआ है, रेडिएटर कंपनी ने बहुत बड़ा लगा के दिया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन बेस्ट कूलेंट सिस्टम के साथ में परफॉर्म करता है। इंडिया में बैटरी की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लीडिंग ब्रांड एक्साइड कंपनी के साथ में आने वाली 12V 88H की बैटरी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कंपनी ने लेटेस्ट समय के सारे अपग्रेडेड फीचर्स इस ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि इस ट्रैक्टर में आप देख रहे हैं ये लगा है EGR सिस्टम। EGR सिस्टम इंजन से निकलने वाली बेसैली हवा को, जो साइलेंसर से बेसैली हवा निकलती है, EGR सिस्टम क्या करता है उसे एयर फिल्टर में भेज के रीफिल्टर कर देता है, जिससे वही हवा इस ट्रैक्टर के इंजन में सेम टाइम में वापस से जाती है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन वही सेम टाइम में प्रोड्यूस करता है अपनी श्रेणी में 63 हॉर्स पावर की श्रेणी में सबसे ज़्यादा 250 Nm तक की तगड़ी टॉर्क बोल सकते हैं। मतलब यार एकदम बाप है ट्रैक्टरों में, है ना। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलने वाला है। तो टर्बो चार्ज टर्बो की जो है आप पोजीशन देख सकते हैं, कंपनी ने बहुत तरीके से जो है इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग एंड फिनिश दी हुई है। बोनेट जो है कंपनी ने सिंगल पीस दिया हुआ है, डबल साका फोल्डर बार के साथ में मिलेगा, मतलब कहीं पर भी भैया एक रुपये की कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है जॉन डियर ने। यहाँ पर अल्टीनेटर भैया इतना बड़ा अल्टीनेटर दे दिया है कंपनी ने। यहाँ पर आप देखिए
14 बोल्ट 60 एमपीएल के साथ में आने वाला कंपनी ने अल्टीनेटर लगा के दिया हो। इतना बड़ा अल्टीनेटर तो मैंने किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखा, फर्स्ट ट्रैक्टर में देख रहा हूँ ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने जो है लेटेस्ट समय का इसमें जो है ब्रीजर सिस्टम भी लगा के दे दिया हुआ है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बारीकी से बात करने वाले हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर पंप की, तो डुअल पंप मिलने वाले हैं, जिनको कंपनी रैंडम पंप भी जो है बोलती है टेक्निकल भाषा में, है ना। साथ ही साथ जो सेल्फ स्टार्टर मोटर लगी हुई है 12 बोल्ट 2 किलोवाट तक की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलेगी। यहाँ पर जो है कंपनी ने जॉन डियर ने अपने हर एक ट्रैक्टर के अंदर इंजन ऑयल फिल्टर में जो है कूलेंट सिस्टम लगा के दिया हुआ है, जिससे इंजन का जो ऑयल है ना वो भी लंबे समय तक ठंडा रहता है, जिससे आप लंबे समय तक कार्य कर पाएं। साथ ही साथ स्टीयरिंग के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो है भैया कंपनी ने डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग लगाई हुई है। इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के अंदर यदि हम बात करें तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खेती किसानी तक के कार्यों में सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी फिटेड क्रॉस वाली जो है आपको ट्रैक्टर में फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के साथ में आती है। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर में डोजर वगैरह की पॉइंटिंग प्रोविजनल भी कंपनी ने दे हुई है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में डायरेक्ट डोजर वगैरह की इंस्टॉलेशन लेना चाहते हैं तो वो भी जो है भैया आप बिना किसी एक रुपए के खर्च के साथ ले सकते हैं। साथ ही इस ट्रैक्टर की जो फोर व्हील ड्राइव की शाफ्ट है कंपनी ने बहुत प्रॉपर तरीके से फिटिंग एंड फिनिश करके दी हुई है, और इसको इस तरीके से कंपनी ने फिटेड किया हुआ है कि इसके अंदर धूल डस्ट कंकड़ पत्थर जाने का जो खतरा है टोटली खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में बात करें दोस्तों यदि हम इस ट्रैक्टर के ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं लेटेस्ट समय का जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर में जॉन डियर 5405 4WD गियर प्रो है ना, दूसरे महीने फरवरी 2023 की जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। PDU के अंदर जो है 41 और साथ में 55.7 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करें हम इसमें टायर साइज को लेके, तो इसमें जो है कंपनी ने आपको इंडिया के सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड MRF कंपनी के साथ में आने वाले टायर दिए हुए हैं। अगला टायर जो है आपको ट्रैक्टर में 11x20x24 का देखने के लिए मिलेगा। पिछले टायर के अंदर यदि हम बात करें यहाँ भी कंपनी ने MRF कंपनी का टायर ऑफर किया हुआ है। पिछला टायर जो है आपको ट्रैक्टर में 16x30 का मिलेगा, और 16x30 के साथ सबसे बड़ी खासियत बताएं, यहाँ पर आप देखो फेंडर के नीचे इतना बड़ा गैप कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, आप पर्लिंग करो मचौवा करो कोई भी दिक्कत समस्या जो है नहीं आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम लगा देते हैं इस ट्रैक्टर का बोनट, फिर बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की। तब तक आप मार दो एक प्यारा सा लाइक, और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर तो कर दो सब्सक्राइब। यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं हीट गार्ड कंपनी ने एकदम बेस्ट क्वालिटी फाइबर के बने लगाए हुए हैं। 25 ईयर सेलिब्रेशन के साथ में इंडिया में जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड ड्राइवर ग्रैब हैंडल मिलेगा, हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड 4 जगह से सपोर्टिंग बार के साथ में आने वाला पैसेंजर ग्रैब हैंडल सिर्फ जॉन डियर में देखने के लिए मिलता है। चलिए ले चलते हैं ऊपर की तरफ। उससे पहले भैया सस्पेंडेड टाइप पैडल देख लो, प्लेटफॉर्म के अंदर लेदर कंपनी ने डाल दिया है। और यहाँ पर भैया सबसे बड़ी बात जो कि मैं भूल जाता हूँ आज पहले ही बता दूँ, यहाँ पर जो है ना कंपनी ने इसमें डिफरेंशियल लॉक दिया है। मतलब यार जो फीचर्स दूसरी कंपनियाँ देना बंद करती जा रही हैं ना, जॉन डियर आज भी उन फीचरों का ध्यान रख रहा है। चलिए ले आते हैं इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को नीचे और बात करते हैं और भी ज़्यादा फीचर्स की। तो हल्का सा पुश, ये देखिए हल्का सा पुश और नीचे से जो है आपको स्टीयरिंग को डाउन करना है, स्टीयरिंग नीचे आने वाली है। अरे भैया चाबी तो निकाल लूँ जेब से, खैर चश्मा भी रखा है। अपन हीरो ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे हैं ना, तो चश्मा लगा के ही कर रहे थे, सोचे हीरो बन जाए आज। चलो मारते हैं आगे की तरफ के फीचर्स का रिव्यू। उससे पहले बढ़िया है यार, समझदार हो खड़े तुम लोग। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको मिलने वाली है खैर 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी मोबाइल स्टोरेज बॉक्स के साथ में। चाबी जो है दोस्तों आपको इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंपनी ने इसमें स्विच लॉक लगा के दिया हुआ है। उल्टे हाथ से चाबी लगा रहे हैं दोस्तों, है ना, ये लग गई। और एक चीज़ और बता दूँ, ये देखो है ना वाइब्रेशन जो ना है कंपनी ने एकदम लेस देन मतलब है ही नहीं है यार, वो वाली बात करते हैं। RPM कंपनी 2100 क्लेम करती है। ट्रैक्टर का जो इंजन है 2100 RPM तक वर्क करता है। टायर मतलब हाथी वाले लगा दिए हैं कंपनी ने इस ट्रैक्टर में, 11x20 का टायर लगा है। टर्निंग रेडिएशन देख रहे हो, इतना तगड़ा टर्निंग रेडिएशन इतने बड़े टायर साइज के साथ में कौन सी कंपनी ऑफर करती है भैया इंडिया में, हमें भी बता देना। यहाँ पर जो पैडल हैं ये भी सस्पेंडेड टाइप मिलेंगे ब्रेक के साथ। एक और तगड़ा फीचर्स, ये भैया चाबी घुमा दे रहे, ये देखो सेफ्टी का भी कंपनी ने ध्यान रखा, चाबी से ही जो है आप ट्रैक्टर का इंजन ऑन और साथ में ऑफ होता है, जो कि टर्बो चार्ज के हर एक ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर के राइट तरफ बात करें DC PC लीवर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का लीवर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कंपनी ने
तीन गियर दिए हुए हैं, एक रिवर्स का गियर मिलेगा, एक पार्किंग गियर मिल जाएगा। टोटल गियर तो पाँच हैं बट मेन गियर तीन हैं, है ना। साथ ही यहाँ डिफेंशियल लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, कई लोग डिफेंशियल गियर बोलते हैं, डिफेंशियल लॉक बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा की अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में, यदि हम बात करें लिफ्ट प्रो, लिफ्ट प्रो क्या होता है किसान भाइयों, आप इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट है ना उसको एक बटन के माध्यम से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मचौवा के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो कंपनी ने जो है उस लिफ्ट प्रो को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे अब इसकी जो लाइफ है अल्टीमेट कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर बात करें ड्राइवर के लेफ्ट तरफ, तो पीडीयू के अंदर सेपरेट क्लच मिलेगा, ट्रांसमिशन चलाने के लिए सेपरेट सिंगल क्लच और पीडीयू चलाने के लिए सिंगल क्लच। पीडीयू के अंदर डबल स्पीड 540 नॉर्मल 540 ई मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में ए बी सी डी चार तरह के गियर मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी गियर में चार गियर के साथ में चल सकते हैं। मतलब इसमें जो है मेन गियर कंपनी ने तीन दिए हुए हैं, तो तीन चौके 12 फॉरवर्ड जो है चार रिवर्स आपको ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलेंगे। फोर व्हील टू व्हील का जो भी है कंपनी ने यहाँ पर लीवर देके रखा हुआ है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में टू व्हील फोर व्हील दोनों का मजा ले सकते हैं। 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर में बात करें यदि हम सीट को लेके, तो कंपनी ने जो है मल्टी एडजस्टेबल सीट दी हुई है, जिसे हर इंसान अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। पर्याप्त गैप है प्लेटफॉर्म के अंदर। पिछले हिस्से में फीचर्स की बात करेंगे, उससे पहले माल को स्टोर करने के लिए कंपनी ने लोहे का ही टूल बॉक्स जो है इस ट्रैक्टर में ऑफर किया हुआ है। आ चुके हैं पीछे की तरफ और बात करेंगे पिछले हिस्से के फीचर्स की, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में चार डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व ऑफर किए हुए हैं, जिसके साथ आप अलग अलग संयंत्रों को मतलब अलग अलग तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने जो है चार डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व दिए हुए हैं, जिससे आप हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट को बड़ी आसानी के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर टापलिंग के अंदर जो पॉइंट हैं, तीन पॉइंट मिलेंगे, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आएंगे। पीडीयू जो है ऑब्वियसली आपको इस ट्रैक्टर में बहुत तगड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ में देखने के लिए मिलेगा, जो कि डबल स्पीड के साथ में मल्टी गियर स्पीड लेके आता है। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर में लिफ्ट की यदि हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 2200 से 2500 केजी की बेहतर क्षमता वाली जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर में लिफ्ट ऑफर की हुई है। यहाँ पर जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा मजबूत महंगा हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी हब रिडक्शन वाला कंपनी ने रियर एक्सल लगा के दिया है। और यहाँ पर जो है फेंडर के नीचे आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की फेंडर की एडजस्टिंग को, फेंडर के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए प्रोविजनल पॉइंट दिए हुए हैं, जिससे आप इस ट्रैक्टर के फेंडर की डिस्टेंसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही स्टेप बार भी कंपनी ने इस ट्रैक्टर में एकदम बढ़िया क्वालिटी के हैवी ड्यूटी वाले जो है ऑफर कर दिए हैं। और दोस्तों पिछले हिस्से में कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी रखी हुई है, जिसमें आपको 71 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। बैक में चौकोर वाली हेलोजन लाइट मिल जाएगी, नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर जो है कंपनी फिटेड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था जॉन डियर की तरफ से आने वाला जॉन डियर का 5405 फोर व्हील ड्राइव BS4 इंजन के साथ में आने वाले तगड़े और पावरफुल ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।